नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजे और वक्त है दिन की बड़ी बहस का। आम सहमति से अयोध्या मसला नहीं सुलझने पर देश में गृह युद्ध की आशंका जताने वाले श्री श्री रविशंकर के बयान पर हंगामा मच गया। कल आज तक से एक इंटरव्यू में श्री श्री रविशंकर ने कहा था कि यह 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का सवाल है और राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट का फैसला आने पर सीरिया जैसे हालात बन सकते हैं। इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि श्री श्री रविशंकर के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बयान वही लोग दे सकते हैं जिन्हें संविधान और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। श्री श्री रविशंकर इस बीच आज अयोध्या मसले पर सुलह की अपनी कोशिशें लेकर बरेली में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा से मिले। इस मुलाकात के बाद उन्होंने अपना स्टैंड दोहराया कि कोर्ट में अयोध्या के मसले का हल मुमकिन नहीं है। हालांकि आज उन्होंने सफाई भी दे दी कि अयोध्या मसले पर सीरिया से तुलना की उनकी बात को गलत तरीके से रखा गया। श्री श्री रविशंकर ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चिट्ठी भी लिखी कि आम सहमति से ही इस मामले का फैसला होना चाहिए। हमारा आज का सवाल यह है कि श्री श्री रविशंकर अयोध्या मसला सुलझाना चाहते या देश को डराना चाहते। अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो देश हित में क्यों नहीं मानते। कोर्ट से अयोध्या मसला हल ना होने का श्री श्री का बयान क्या कोर्ट का अपमान नहीं है? अदालत के बाहर सहमति की कोशिशें करने का मतलब क्या जबरदस्ती अपनी बात मनवाना है? और क्या श्री श्री रविशंकर अयोध्या मसले पर मान ना मान मैं तेरा मेहमान की कहावत को सच कर रहे हैं? आज का दंगल इन्हीं सवालों पर होगा। देखिए, मैं देख चुका हूं सीरिया में, इजिप्ट में, इराक में, लेबनान में, इन सब जगह पर देखते कैसा समाज में हालत हो गई है। और हमारे देश में, कश्मीर में देखिए कितना उलझन है देश में। हमें एक और ऐसा उलझन इस देश में नहीं चाहिए। कौन से मिल बैठ के बात कर रहे हैं अयोध्या में? आप तो मेरे मुझे खत्म करने की धमकी दे रहे हैं, मेरा खून बहाने की बात कर रहे हैं कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो सीरिया बन जाएगा। तो ये बातचीत कर रहे हैं, ये तरीका है इनका। मान लीजिए कोर्ट ये कह देगी ये बाबरी मस्जिद वहां बनना है, मस्जिद के लिए दे देगी, पूरा जमीन भी दे देगी मान लीजिए, तब भी देश में अमन नहीं हो सकते। 100 करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई है राम जन्मभूमि। 500 साल से इसके लिए संघर्ष चल रहा है। ऐसे लोगों के मन में न्यायालय के प्रति संशय उठने लग जाएगा, न्यायपालिका पर संशय उठने लग जाएगा, ये नहीं संभव होगा। और गृह युद्ध होगा, जगह जगह गांव-गांव में झगड़े होंगे, हिंदू मुसलमान के बीच में फासला बनना शुरू हो जाएगा अधिक से अधिक। वो वायलेंस का पैगाम दे रहे हैं, वो धमकी का पैगाम दे रहे हैं। इसीलिए हम शुरू दिन से मैं कह रहा था कि इस शख्स को कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। वो गलत झूठ कह रहे हैं। और हमारा मानना ये है कि जो शख्स को संविधान पे एतमाद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, और जो शख्स हिंदुस्तान के रूल ऑफ लॉ पे नहीं चलना चाहता, तो ऐसे लोगों के ऊपर तो केस बुक होना चाहिए, प्रोवोकेशन का, इंसाइटमेंट का। बिल्कुल, मीडिया ने इसको गलत तरीके से लिया है। मैं कभी ऐसा, और मैं धमकाने वाला होता हूँ कभी? मैं सपने में भी किसी को नहीं धमकाया आज तक। मैंने यही चेतावनी दी, चेतावनी को हम धमकी मान ले गलत बात है। आइंदा लोकसभा के इलेक्शन तक सुप्रीम कोर्ट में मसले की हियरिंग ना हो, क्योंकि ये तो ओपन धमकी दी जा रही है। इस तरह से धमकी में कौन क्या आर्ग्यू करेगा? या तो आप मेरी बात मानो या सीरिया बना देंगे या खून की नदियां खेलेंगे, कौन होते हैं? तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है हमारे मुल्क के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन से जुड़े। इस मामले पर उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हमारे साथ मुफ्ती एजाज अरशद कासमी हैं, सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। हमारे साथ पंडित अजय गौतम हैं, हमहिंदू.com से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दर्शक हठी हैं, वो प्रवक्ता हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, यानी कि श्री श्री रविशंकर के संगठन के। और हमारे साथ वारिस पठान हैं, वो प्रवक्ता हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी कि AIMIM के। सबसे पहले संबित पात्रा, मेरा सवाल आपसे है, श्री श्री रविशंकर की बात से आप सहमत हैं कि अगर हिंदुओं के पक्ष में नहीं आया फैसला तो सीरिया जैसे हालात हो जाएंगे हिंदुस्तान में और कोर्ट से फैसला मुमकिन नहीं है, संभव होना? देखिए रोहित भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि पहला प्रश्न मुझे लगता है रविशंकर जी के, श्री श्री रविशंकर जी के प्रवक्ता से होना चाहिए। मैं सहमत हूं आपसे पात्रा जी, मैं उनका प्रवक्ता, अभी वो थ्रू नहीं है,
लेकिन आप उनके प्रवक्ता नहीं है, सब जानते हैं, वो आपके प्रवक्ता हैं, ये भी तो वो लोग मानते हैं ना, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया पहले। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, वो होते भी तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते थे, ये आपका अधिकार है, आपने अपने शो में हमें बुलाया है। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, वाकई मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, मगर मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि खून पे खून बहने वाली सड़कों पर मार कटाई वाली बात कभी नहीं होनी चाहिए। मगर खुद श्री श्री रविशंकर जी ने इसका खुलासा किया है कि उन्होंने इस प्रकार की बात नहीं कही है जिस प्रकार की बातों को बढ़ाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं ओवैसी साहब को यहाँ सुन रहा था, ओवैसी साहब कह रहे थे इस प्रकार की बातों के लिए जेल में डाल देना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर संशय जाहिर किया गया। याद करिए ओवैसी जी तो वही व्यक्ति है जो मैं आपके साथ ही खुद एक बार डिबेट कर रहा था रोहित जी, ट्रिपल तलाक के समय ओवैसी जी जाके हैदराबाद में कह रहे थे ये सुप्रीम कोर्ट कौन है ये निर्णय लेने वाला कि मुसलमान शादी कैसे करेगा, मुसलमान तलाक कैसे देगा, सुप्रीम कोर्ट बोलेगी तो हम मानेंगे क्या। और फिर उन्होंने बाद में कहा 14% मुसलमान अगर इकट्ठा हो जाए राजपूतों की तरह तो किस प्रकार पूरे देश में ट्रिपल तलाक में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको हम पलट के रख देंगे। ये वही व्यक्ति है जो 15 मिनट इनके परिवार ने कहा था 15 मिनट पुलिस हटा देंगे तो क्या होगा। तो मुझे लगता है गरिबान के अंदर झांक के देखना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि 500 वर्षों से राम मंदिर के इशू में एक बहुत बड़ा डिबेट डिस्कशन और संघर्ष चल रहा है। देखिए मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज लेके आया हूं, आज से पहले टीवी पे ये दस्तावेज शायद देखा नहीं गया हो, ये एज एविडेंस सुप्रीम कोर्ट पे ये दस्तावेज है मौजूद है अभी भी एविडेंस के तौर पे है। इसका नाम है द एविडेंस एंड डायलॉग चैप्टर 3 का एक बहुत महत्वपूर्ण जिसको सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते समय पढ़ेगी। उसमें लिखा गया है सैयद शहाबुद्दीन जो पहले बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के चेयरपर्सन भी रहे हैं उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के सामने कोर्ट में कर रहा हूं, इफ इट इज प्रूव दैट बाबरी मस्जिद हैज बीन बिल्ट आफ्टर डेमोलिशिंग राम जन्मभूमि मंदिर ऑन इट्स प्लेस देन अ मॉस्क ऑन सच असर्प्ड लैंड डिजर्व्स टू बी डिस्ट्रॉयड, नो थियोलॉजिकल और आलिम कैन गिव फतवा टू होल्ड नमाज देयर बिकॉज ऑफ फतवाए आलमगिरी। उन्होंने कहा है अगर ये एएसआई के रिपोर्ट से प्रूव हो जाएगा कि वहां पर मंदिर था तो मैं खुद कहूंगा कि वहां नमाज नहीं पढ़ा जा सकता है और वो जमीन नमाज के लिए नहीं है। आप देखिए उसके बाद 574 पेजेस का के मोहम्मद की रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि मंदिर वहां मौजूद था। नहीं नहीं डॉक्टर साहब ठीक है, अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया ना, अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट जब तय कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, एक मिनट वारिस पठान डिबेट से हटा, वारिस पठान एक सेकंड रुक तो जाइए, थोड़ा सुना तो कीजिए, मैं भी बोल रहा हूं ना बीच में और मैं यही बात बोल रहा हूं। संबित पात्रा जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, हर आदमी कह रहा है जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा मान लेंगे, आपने भी यही कहा, दूसरे पक्ष ने भी यही कहा, फिर यह बात बीच में कहां से आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं हो सकता, अगर ऐसा हुआ तो इस देश में सीरिया जैसे हालात बन जाएंगे। पंडित अजय गौतम क्या हिंदुओं को कबूल नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मुझसे पूछा था। एक सेकंड देखिए पंडित जी आपकी अनुमति हो तो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे अनुमति लेके 10 सेकंड लूंगा पंडित जी, मैं बोलिए चलिए नहीं बोलना चाहता, बोलिए धन्यवाद। देखिए मैं आपको एक बात याद दिला दूं, जस्टिस केहर जो इससे पहले चीफ जस्टिस रहे हैं उन्होंने खुद सुनवाई से पहले कहा कि मैं खुश होऊंगा अगर कंसेंट के साथ, अगर रजामंदी के साथ ये पूरा मसला कोर्ट के बाहर सुलझ जाए, कोई नहीं मिलता है तो मैं भी रजामंदी करवाने के लिए तैयार। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि डरा के रजामंदी कराइए, सुप्रीम ये तो नहीं कहा था, बिल्कुल डरा के किसी ने धमका के रजामंदी कराइए, किसी ने नहीं कहा डरा ना। देखिए रोहित जी आप भी जानते हैं, देखिए मैं श्री श्री रविशंकर जी का प्रवक्ता नहीं हूं ना, मैं बनना चाहता आप, मगर इतनी बात आप याद रखिए कि कोई यहां डरा धमका नहीं रहा है, डिबेट हो रहा है। श्री श्री के डिफेंस में आपने असद ओवैसी को कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन आप उनके प्रवक्ता नहीं है। चलिए उनके प्रवक्ता आ गए दर्शक हट्टी हमारे साथ, दर्शक हट्टी के पास चलते हैं जरा एक बार। ओवैसी जी को तो मैं हमेशा खड़ा करूंगा। वारिस पठान थोड़ा सा रुक जाइए ना, अगर आपको कोई कष्ट हो रहा है तो आपका जब समय आएगा सर आप पूरा विस्तार से रख दीजिएगा कि आपको यह कष्ट है। आप बीच में बोल रहे हैं ना सर, तो क्या हो रहा है, जो आप पड़ोसियों से बोल रहे हैं वो भी सुनाई दे रहा है सबको। दर्शक हटी श्री श्री रविशंकर आज कह रहे हैं मैंने वो नहीं कहा था जो समझा गया, तो आप समझा दीजिए उन्होंने क्या कहा था, आप तो प्रवक्ता हैं उनके। सीरिया का जिक्र क्यों आ गया इस बात, रोहित जी अगर आप पूरा लेटर पढ़े जो गुरुदेव ने भेजा है। सर मैंने पूरा इंटरव्यू देखा, उस बात से एक चीज को उठा के अगर आप कहोगे
कि भी ये सीरिया की तरह यहाँ पे, गुरुदेव ने ये कहा है कि सीरिया के जैसे हालात न हो, अगर कोई परिस्थिति ऐसी बनती है किसी एक पक्ष के अंदर फैसला जाता है तो हो सकता है कि ऐसे हालात सर, जब दो पक्षों में लड़ाई है, यहाँ पे सीरिया दोनों पक्ष अदालत में गए हैं तो फैसला तो एक ही पक्ष में जाएगा ना किसी, तो उसी बात को लेकर तो उन्होंने तीन जो ऑप्शन दिए है, जब आप चुनाव आप अदालत में जाते हैं तो क्या हो सकता है, या तो मुसलमानों के पक्ष में हो सकता है, क्या हिंदुओं के पक्ष में हो सकता है, या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा उसी को बरकरार रखा जाए, तो ये तीनों सिचुएशन में जो बात का जो है मसला उसका हल तो नहीं होता है और बात तो वहीं बनी रहती है, और अगर किसी एक पक्ष में जाता है तो हालांकि ये जाहिर है कि दूसरे पक्ष को उसका दुख होगा, आघात होगा। अच्छा एक सेकंड, तो देखते आ रहे ना बाबरी मस्जिद टूटने के बाद। नहीं नहीं सर एक सेकंड रुकिए मौलाना साहब, अगर मुसलमानों के खिलाफ जाता है फैसला सुप्रीम कोर्ट का, क्या उन्हें कबूल नहीं होगा? देखिए पहले दिन से हम लोग सराखों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला को मानने के लिए तैयार है कि अगर बाबरी मस्जिद का फैसला ये आता है, जैसा कि बार बार जैसा अभी शहाबुद्दीन साहब की बात ये कोर्ट कर रहे थे वो बात आज भी हम ये बिल्कुल खुले मंच पर और चैलेंज के साथ कहते हैं कि अगर हमारे खिलाफ फैसला आएगा तो हम राम मंदिर की तरफ से सहयोग करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ जाता है तो हमें कबूल होगा, तो आपको ये चिंता क्यों हो रही है कि किसी भी एक के पक्ष में नहीं होगा तो खून बह जाएगा इस देश में और सीरिया जैसे हालात हो जाएंगे? इसमें मैं एक आगे जैसे हालात है रोहित जी, सीरिया जैसे हालात कहां नहीं है मुझे बता दीजिए। नहीं नहीं मैं कानपुर यार जिनसे पूछा एक एक करके बोले ना। नहीं आज बताइए जस्टिफाई कीजिए ना क्यों सीरिया आ गया बीच में। गुरुदेव से मिलने आज हजारों लोग आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे, हिंदू भी आ रहे, और सबको ये चिंता है और ये हालात बन रहे। आज आप देखो कि पैनल के ऊपर डिस्कशन में लोग इतना आक्रोश व्यक्त करते हैं तो आप सोचो कि नतीजा आने पर क्या हो सकता है। सर हम तो कह रहे हैं ना पैनल पे डिस्कशन में आक्रोश व्यक्त कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ के चिल्लाइए यहाँ पे, अपनी बात करिए, अपना गुस्सा निकाल दीजिए यहाँ पर, सड़कों पे गुस्सा निकालने की धमकियां तो मत दीजिए कम से कम। की धमकियां नहीं हो रही है, सावधानी को अगर धमकी समझना होता है और सौहार्द को अगर ये हमला समझते तो ये तो कुतर्क हो गया ना। ठीक है अब आप आइए जरा चर्चा में, आप कहोगे कि वो गिरने की धमकी दे रहा है। ओके वारिस पठान वो कह रहे हैं मैं चेतावनी दे रहा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि लॉ ऑफ लैंड जब इस देश में है तो श्री श्री रविशंकर धमकी कैसे दे रहे हैं, ये चेतावनी है कि धमकी है? देखिए तो सीधा सीधा धमकी है, तो वायलेंस बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि यदि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट हिंदुओं के अगेंस्ट दे दिया तो यहाँ पे ब्लड शेड हो जाएगा, ये उन्होंने कहा है। टोटल ना वो संविधान को मान रहे हैं, ना कायदे कानून को मान रहे हैं, ना वो लोगों की भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं। वो तो बोलते सीरिया हो जाएगा, किसने इजाजत दी इनको इस सब बातें करने की? क्या श्री श्री को पता नहीं है सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है? क्या उनको ये पता नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैटर आस्था की बेसिस पे डिसाइड नहीं होगा, ये मैटर एविडेंस की बेसिस पे डिसाइड होगा? तो वो कौन होते जाके इस तरह की बात करने वाले? मैं तो कहूंगा प्रोवोकेटिव भाषण और इस तरह का बयान देने के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए और उनको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि सरासर धमकी है, ये डराने वाली बात है। वो जेल में रहेंगे तो आप और आपकी पार्टी के लोग बाहर रहेंगे वारिस पठान, तो यहाँ पे ब्लड शेड हो जाएगा। अगर वो अगर श्री श्री रविशंकर जेल में जाएंगे तो बता दो कौन से लेके कोर्ट से लेके इस जेल में जो पहले अपनी चिंता मत करिए, अपनी पंडित जी पंडित की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, श्री श्री रविशंकर के खिलाफ केस होना चाहिए। हाँ ठीक है तो दर्ज कराइए ना, टीवी पे भाषण क्यों दे रहे हैं बैठ के, जाइए थाने, क्यों नहीं केस दर्ज कराते? वकील है ना आपको, आप करा दीजिए केस दर्ज, आपकी पार्टी के चीफ भी वकील है, कराइए केस दर्ज। आप लोग टीवी पे नंबर बनाते हैं लेकिन केस नहीं दर्ज कराते हैं। कराएंगे आप शीशी यहाँ पे कराइए ना सर, बहुत ज्यादा बिना काम कम कर रहे हैं। मुझे आप कह रहे हो कि वो संबित पात्रा से मुझे सवाल करना है कि उनकी पार्टी का इस नहीं नहीं पहले मैं संबित पात्रा से सवाल करना चाहता हूँ कि श्री श्री रविशंकर के स्टेटमेंट पे इनकी पार्टी का मतलब क्या स्टैंड है? पूछ के करते हैं जो काम करते हैं, स्टेटमेंट को आपकी पार्टी इनकी पार्टी से पूछ के करती है ना जो करती है, जो उन्होंने कहा सही है, इनकी पार्टी का स्टैंड देखने के बाद आप लोग डिसाइड करेंगे ना कि आपको केस दर्ज कराना है कि नहीं। पूछिए संबित पात्रा से सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये तो बता दीजिए, इनसे पूछ के तय करते हैं ना आप लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट का समर्थन करते हैं या नहीं करते। संबित पात्रा आपकी पार्टी डिसाइड करेगी कि ये लोग केस दर्ज कराएंगे कि नहीं कराएंगे, आप बताइए आपका स्टैंड क्या है, बताइए आपका स्टैंड क्या है, जल्दी बताइए। नहीं वो नहीं पहले बताइए कि वो मंदिर को वही समर्थन करते हैं नहीं करते, ये तो सवाल करिए संबित पात्रा से। नहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तो भी मुझे, अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश मुझे इतना पता है, सुन लीजिए 10 सेकंड में, मुझे भी क्या मंदिर वही बनाएंगे, मुझे सवाल के जवाब तो ले लीजिए भाई मेरे, आपका स्टैंड है ये बताइए भाई मेरे, मुझे सवाल पूछा जवाब तो ले लीजिए। हां
मुझे मेरे लोकतंत्र पे विश्वास है, मुझे संविधान पे विश्वास है, मुझे भगवान राम पे विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, इसलिए मंदिर तो वहीं बनेगा, मंदिर तो वहीं बनेगा, बस हो गया 10 सेकंड में उत्तर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला दिया कि ये जगह मुसलमानों को दी जाए मस्जिद बनाने के लिए, तो भी क्या आप मंदिर बनाएंगे मिस्टर संबित पात्रा? ये सुप्रीम कोर्ट ने संबित पात्रा से मेरा सवाल है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाकर वहां पे मंदिर ही बनाएगी जैसा श्री श्री ने कहा है कि नहीं बनेगा? अरे ऐसा कहेगी तो नहीं सुप्रीम कोर्ट भैया, आप तो वकील हैं, बनेगा तो सीरिया बन जाएगा। अरे आप वकील हैं, ये सब जो एविडेंस है कि हम लोग आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऐसे कैसे कह देगी? बिल्कुल एविडेंस मानेगी। जब आप देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा उसको मस्जिद ही नहीं कह सकते हैं, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रही है उसको मस्जिद ही नहीं कह सकते तो आप मस्जिद कैसे बना देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। अच्छा ठीक है, चलिए नहीं था चिंता मत करिए, जाइए सेकंड में वारिस पठान ठीक है, आपने अपनी बात रखी। अजय गौतम अब आप इंटरव्यू कीजिए, आप करना चाह रहे हैं? देखिए मैं बड़ा स्पष्ट बात कह दूं, 2/11/1990 को जब कार सेवकों पर गोली चली थी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 6/12/1992 को ना हमने कोर्ट से पूछ के उस भूमि को समतल किया था ना, और कोर्ट की एक लिमिटेशन है। मैं 2001 के अंदर चीफ जस्टिस थे अभयानंद, उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के लिए स्कॉटलैंड की हेल्प ली गई थी, तो वो कोर्ट बताएगा सतयुग में पैदा हुए राम कहां पैदा हुए थे, ये कौन, ये किस तरीके का मजाक चल रहा है? मैंने इनसे पूछा, अगर कोर्ट का फैसला मुसलमानों के खिलाफ आता है तो मानेंगे? उन्होंने कहा मानेंगे। अगर हिंदू के खिलाफ आता है तो मानेंगे? नहीं, वहां मंदिर है सर, वहां मंदिर है और हर हालत में वहां मंदिर रहेगा, कोर्ट का फैसला इधर हो या कोर्ट का फैसला उधर हो, हिंदुओं की मानसिकता बहुत स्पष्ट है। श्री रविशंकर जी ने बहुत स्पष्ट बात कही है, इस ग्राउंड की हकीकत बताई है, जिस जगह के अंदर मंदिर से वो जिस जगह मस्जिद कानपुर में मस्जिद से AK-47 से SDM को गोली मार दी जाती हो, कार्तिक घोष की ऑटोप्सी में अगर 8 उसके फ्रैक्चर निकले खोपड़ी में, तो वो देश सीरिया नहीं है क्या? अपना तिरंगा लेके राष्ट्रगान वाले गाने वाले चंदन को गोली मार दी जाती हो, पड़ोस की लड़की से प्यार करने वाले का गला इसलिए काट दिया जाता हो क्योंकि वो लड़की मुसलमान और लड़का हिंदू है, सीरिया में क्या कसर है? सीरिया में कसर क्या है बता तो दो। आपने कहा अरे आपने शुरुआत करी, आपने कहा पुलिस हटाओ 15 मिनट के लिए, किसने शुरुआत फैसला इधर आएगा उधर आएगा, वहां से मंदिर नहीं हटेगा, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। नहीं तो जिस तरीके से शाहबानों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा गया, खाली मुस्लिम 14% लोगों को खुश करने के लिए आज 85% लोग अपना हक मांगेंगे, भारतीय जनता पार्टी से 85% लोग अपना हक मांगेंगे। जैसे शाहबानों में सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी गई, ऐसे राम मंदिर के अंदर भी कोई नहीं मानेगा। ऑर्डिनेंस लाओ, भारतीय जनता पार्टी से ऑर्डिनेंस लाओ या कुछ भी लाए, मंदिर वहीं बनेगा, कोर्ट का फैसला इधर हो। ठीक है चलिए, हो गया ना, आप दोनों ने रखी अपनी अपनी बात, ठीक है हो गया। भाई पठान आपने अपनी बात रखी, मंदिर मोदी जी देख रहे हैं कि नहीं, ये बात एक तो आप समझते नहीं है। वारिस पठान, मोदी जी वारिस पठान, एक काम करते ना, एक सेकंड रुकिए, मसला ऐसे भी हल नहीं होगा कि सारे एक साथ बोलने लग जाए, मसला ऐसे हल होगा कि आप एक एक करके अपनी बात रखें, सब अपना अपना पॉइंट रख दें ताकि दर्शकों को समझ में आए कि आप लोग कहने क्या आए हैं और कहना क्या चाहते हैं, किसकी क्या सोच है। केवल चीखते चिल्लाते रहने से वारिस पठान, अगर आपको लग रहा है कि आप वापस जाकर ओवैसी जी से पीठ थपथपवा लेंगे अपनी कि देखो मैं क्या कराया, तो ऐसा होगा नहीं। बेहतर होगा अगर अपना समय आने पे आप बोलें, आप बोल रहे थे, सबने आपको सुना, शौक नहीं है मेरी पीठ थपथपाने का, सबने आपको सुना ना, सुन लिया आपको सबने। अब शांति रखिए थोड़ी देर, दुनिया प्लीज मेरी मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, हमने देखा कैसे थपथपाती है, प्लीज नहीं ले रहे, कौन पीठ थपथपाएगा मेरी, बस छोड़ो बात वो, बस अब शांति रखिए, मुझे आपसे नहीं चाहिए, शांति रखिए, अब छोड़िए, शांति रखिए। अब मौलाना साहब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, शांति से बात करिए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्लीज शांति से, आप सवाल प्लीज शांति से जवाब दूंगा, प्लीज बस। मौलाना साहब अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, इस बात से प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि श्री श्री रविशंकर जो कह रहे हैं सीरिया बन जाएगा, उससे आपको दिक्कत हुई, या जो बात पंडित अजय गौतम कह रहे हैं कि अगर अदालत में नहीं भी आता है तो बीजेपी की सरकार है, हम हिंदू लोग उस पर दबाव डालेंगे और कहेंगे कि ठीक है जैसे शाहबानो केस में फैसला पलटा था संसद के जरिए, आप उस रास्ते जाइए, उससे भी आपको एतराज है?
देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, श्री श्री रविशंकर को ये समझ लेना चाहिए कि हिंदू संत समाज उनको राम मंदिर मामले में बैठने के लिए भी नहीं बोलता और उनको मानता भी नहीं, ये सच्चाई है। 13 नवंबर को जो उनकी पहली मीटिंग बंगाल उसमें सॉरी बेंगलोर में हुई, उसके बाहर निकलते वेदांती जी ने कह दिया था कि साहब हम नहीं मानेंगे। फिर ये अयोध्या गए, वहाँ 5 करोड़ का इन पर इल्ज़ाम लग गया और योगी जी ने कह दिया कि आप अपने बहुत देर कर दी, 5000 करोड़। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं, देखिए श्री श्री रविशंकर ने जो सीरिया को लेकर कहा है उन्होंने सच कहा है। क्यों कहा है ये सुनिए। सीरिया में आज जो कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इजराइल और अमेरिका बैठकर मॉनिटरिंग कर रहा है और मुसलमानों को मारने और काटने का काम कर रहा है। श्री श्री रविशंकर को इजराइल से सुपारी मिल गई है कि हिंदुस्तान में बैठकर हमारे मिशन को आप आगे बढ़ाइए, हम आपको खुला पैसा देंगे। इसीलिए इन्होंने इस तरह की बात कही है कि आप जो है यहाँ सीरिया ना बना, सीरिया तो ये बनाना चाहते हैं। आपसे कह रहे थे कि आपने आईएसआईएस से सुपारी ली है। सुनिए सुनिए, आप इनसे कह रहे हैं सीरिया से सुपारी ली है। भाई आप लोग अपने देश की बात क्यों नहीं करते? फैसला कुछ भी आए, ये कौन सी बात है कि कोर्ट का फैसला कुछ भी आए मंदिर वही रहेगा? यही संबित पात्रा ने कहा कि मंदिर तो वही रहेगा कुछ भी हो, ये है क्या चीज? इसका मतलब कोर्ट पर इनको इत्मीनान नहीं है, देश के संविधान पर इनको इत्मीनान नहीं है। ये लोग ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमान उग्र हो जाए और इस देश में नफरत फैले, हिंसा हो। लेकिन मैं अपील करता हूं तमाम मुसलमानों से कि इस देश में शांति बनाए रखना है, चाहे फैसला इनके लिए आए चाहे हमारे लिए आए। आपको आर्गुमेंट क्या है? चलिए कम से कम आपने एक अंत में अच्छी बात कही कि शांति बनाए रखे, फैसला चाहे किसी भी पक्ष में आए। दर्शक हटी अपनी बात रख लीजिए, संबित पात्रा उसके बाद आपके पास आऊंगा। बोलिए दर्शक हटी, आप बीच में क्या बोल रहे थे? रोहित जी आज श्रीशी बरेली में गए हैं, मौलाना तौकीर रजा जो इतने नामी व्यक्ति है उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया। अरे आपको आप सब लोग एक दूसरे को सर्टिफिकेट मत दिया कीजिए, तुमको मानते मुस्लिम समाज में वसीम रिज़वी, एक हिंदू समाज में मौलाना साहब, मैं यही सवाल मौलाना साहब, ऐसे तो आप भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, वो भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, ये भी मैं भी बता दीजिए दर्शक हटी, श्री श्री रविशंकर किसके कहने पर यह पहल कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, वो जो फॉर्मूला ला रहे हैं, जिस भी आदमी से हमने आज तक बात की है, वो चाहे कोई मुख्यमंत्री हो चाहे वो कोई मंत्री हो, सबने कहा कि साहब हमारे पास तो ऑफिशियली आज तक औपचारिक तौर पे कोई फॉर्मूला आया नहीं, तो किस फॉर्मूले को माने? अगर कोई अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है तो करता रहे, हम तो जानते नहीं। फिर इन सारी पहलों का, इन मुलाकातों का मतलब क्या? श्री श्री रविशंकर सन 2000 से इस मसले पर काम कर रहे, और मैं कहता हूं कि जब समाज के ऊपर कोई ऐसी बात होती है, कहीं पे कोई घटना बनती है, तो ये आध्यात्मिक गुरु का फर्ज है, उसे कोई आमंत्रण की जरूरत नहीं है, वो अपने आप पहल लेते हैं। और उन्होंने पूरी दुनिया में पहल की एनजीटी का करोड़ों रुपया खाए बैठे हो और हवाले के जरिए विदेशों से जो पैसा आता है उसकी जांच ना शुरू हो जाए, कोशिश कर रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी ने तो ये कहा था, असदुद्दीन ओवैसी ने तो वो कहा था। मसला आज की बात पर हो रहा है ना, इस बात पर जरा इस बात पर फोकस कीजिए। एक सेकंड रुक जाइए। दंगल आप देख रहे हैं आज तक पर। सवाल ये कि सीरिया का डरावा क्या छुड़वा देगा राम मंदिर पर दावा? हमारे साथ मुफ्ती कासमी साहब हैं, जरा उनसे एक सवाल हम ब्रेक के पहले नहीं ले पाए। एजाज कासमी साहब, मैं ये पूछ रहा हूं, श्री श्री रविशंकर डरा रहे हैं या डर रहे हैं कि कहीं फैसला हमारे पक्ष में आ गया तो दूसरा पक्ष सड़कों पर तो नहीं आ जाएगा? देखिए किस पसे मंदर में उन्होंने क्यों कहा ये तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतनी जमानत ज़रूर लेता हूँ या इतनी गारंटी ज़रूर आपको देता हूँ कि अगर मुसलमानों के हक़ में फैसला आया और अगर खुदा ना खास तो कभी ऐसी नौबत आई कि एक आदमी के भी खून बहने की नौबत आई, तो हम वहाँ पर मस्जिद की तामीर पसंद नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि मस्जिद की तामीर अमन सलामती के साथ, सुकून के साथ हो और हमारी जो देश की शांति है वो बहाल रहे। अगर एक आदमी के भी खून बहने की नौबत आई, अगर हमारे हक़ में फैसला आया, तो हम वहाँ पर कहेंगे कि नहीं, मस्जिद की तामीर नहीं होगी किसी का खून बहा करके। देश को सीरिया बनाने की बात तो बहुत दूर की है, ऐसा तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। और देश को एकता और अखंडता को बहाल करने के लिए हम किसी भी तौर की कुर्बानी दे सकते हैं। ठीक, तो ये तो बहुत ही अजीब और गरीब बात है।
और क्या किस पसे मंदिर में उन्होंने कहा वो वही जवाब देंगे। एक बात जो मैं जवाब देना चाह रहा हूं, इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही, मैं पहले इस बात पे थोड़ा सा एक कमेंट देना चाहता हूं, मैं 10 सेकंड से प्लीज 10 सेकंड लेना चाहूंगा। वो शुरुआत उन्होंने जो की थी संबित पात्रा जी ने, एक बहुत बड़ा ऐसा लग रहा था कोई इंकशाफ करने जा रहे हो कि शहाबुद्दीन ने यह बात कही और ये आज भी लिखा हुआ। 100 बार शहाबुद्दीन साहब की इस बात को वो खुद कोट कर चुके हैं, मैं जवाब दे चुका हूं कि शहाबुद्दीन साहब ने जो बात उस जमाने में कही थी उसी बात पर आज भी हम कायम है। हमारा आज भी स्टैंड है कि अगर हमारे खिलाफ वो फैसला जाता है और ये कहा जाता है कि वो मस्जिद की जगह नहीं है, मंदिर बनाने में हम सहयोग करेंगे, हम चाहेंगे कि आप मंदिर अगर अगर मौलाना कासमी इतनी साफ गोई से ये बात कह रहे हैं दर्शक हठी कि भाई ऐसी स्थिति हो गई तो कुछ चीज आगे नहीं बढ़ेगी, हम पैर पीछे खींच लेंगे, तो फिर श्री श्री रविशंकर को डराने की या डरने की भी क्या जरूरत है? इनसे नहीं मिले क्या एक बार भी? रोहित जी, ना श्री श्री रविशंकर डर रहे ना डरा रहे, वो सावचेती बरतने की बात कर रहे हैं, सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं। सावधानी आदमी कब बरतता है सर? डर लगता है उसको तभी बरतता है ना। आप सहयोग करना चाह रहे हैं, यही तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मुसलमान अगर अपना हक छोड़ देते हैं, मंदिर बनाने में समर्थन देते हैं, ये एक मिसाल बनेगी, यही तो बात गुरुदेव कह रहे हैं। और उसके उसने अगर हिंदू मंदिर छोड़ दे तो मिसाल नहीं बनेगी। अरे बने वहां पे अगर हिंदू मंदिर छोड़ दे तो मिसाल नहीं बनेगी। आप तो सड़क पे भी नमाज पढ़ते हो, सड़कें छोड़ दे, आप सड़कों पे नमाज पढ़ते हो, हर फ्राइडे के फ्राइडे सड़कों पे नमाज पढ़ते हो, रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ते हो, एयरपोर्ट में नमाज पढ़ते हो, सारी चीज छोड़ दे, क्या करे हो, क्या चाहते हो इस देश को बनाना, क्या चाहते हो इस देश को बनाना? अरे बात किस सुन की बात है? हमारे हमारे अराध्य 100 करोड़ लोगों के अराध्य राम पैदा हुए थे, तुम्हारा कौन पैदा हुआ था बताओ? हमारे तो 100 करोड़ लोगों के आराध्य श्री राम का जन्मस्थली है, तुम्हारी किसकी जन्मस्थली है? कौन सी आस्था तुम्हारी जुड़ी हुई है? 100 करोड़ तुम्हारी बात कौन करेगा? गलत बात है, गलत हल्के आदमी। हमले नहीं करें एक दूसरे पर, निजी हमले नहीं करें एक दूसरे पर, प्लीज। तर्क है ना, अच्छा नहीं लगता। पंडित जी, मौलाना साहब, अगर आप लोगों को एक दूसरे पर आप लोगों को एक दूसरे पर निजी हमले करने हैं या वाकई दंगल करना है पहलवानी वाला, ये तो निजी हमला हो रहा है, बाहर जाके दोनों कर सकते हैं, आप दोनों जोर आजमाइश कर लें एक दूसरे पर। बीच में घुसे, मैं बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, एक सेकंड रुकिए, ये कहना कि ये हल्के आदमी है, आप आईएसआईएस के एजेंट हैं, ये गलत है। एक सेकंड, सारी चैनलें उसको टीआरपी बना रही है। दर्शक हटी, प्लीज, टीआरपी मैं फिर आपसे पूछ दूंगा टीआरपी की फुल फॉर्म क्या है, तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि हर आदमी आके टीआरपी बताने लगता है, फिर आप इंटरव्यू क्यों देते हैं अगर आप चाहते नहीं कि लोग देखें उसको? तो ये क्या मतलब हुआ कि टीआरपी बना रहे हैं सब लोग? तो हमारा पक्ष रखने के लिए, अगर कोई आप अपना पक्ष रख रहे हैं तो हम दिखाएंगे उसको, और हम दिखाएंगे, अगर उसमें सवाल होगा तो पूछेंगे भी आपसे। हम ये कह रहे हैं, अगर आपकी बात से हमें लगेगा कि आप लोगों को धमका रहे हैं तो हम पूछेंगे आपसे। कह रहे हो कि कोर्ट ने दे दिया, हम आपसे पूछेंगे कि अगर देश में ये मामला अदालत में है तो आप ये बात किस आधार पर कह रहे हैं कि अदालत ने फैसला किया तो इस देश में खून बहेगा, ये सीरिया हो जाएगा देश, किस आधार पर कह रहे हैं? अदालत के फैसले के ऊपर जलीकट्टू में क्या हो गया आप देखिए। अदालत ने कहा कि पटाखे नहीं फोड़ने, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड सुन लीजिए उनको, तो ये हमारे सामने मिसाल है ना, हमारे सामने ये मिसाल है, इसलिए हम कह रहे हैं। तो मतलब आपको कोई, एक सेकंड ना, आपको इसका सुप्रीम कोर्ट, आपको इसका मतलब ये लगता है इस देश में लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ये बनाना रिपब्लिक है, कह रहा है कि ये लैंड का इशू है, ये लैंड का इशू है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है लैंड का इशू है, और मंदिर मस्जिद तो बाद की बात आती है। ओके, और हाजी साहब खुद कह रहे हैं कि आप मंदिर बना सकते हैं। मौलाना साहब एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, फिर संबित पात्रा और वारिस पठान के पास जा रहा हूं, सवाल सुनिए। ठीक है दर्शक हटी, आपने जवाब दे दिया, एक सेकंड, कह रहे हैं ना कि आप मंदिर बना दो। मौलाना साहब आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं दर्शक हटी, उसके बाद मैं संबित पात्रा और वारिस पठान के पास जा रहा हूं। मुझे ये बताइए, सरकार ने आपको अपॉइंट किया है, साधु संतों ने अपॉइंट किया है, हिंदू समाज ने अपॉइंट किया है, आपको किसने अथॉरिटी दी है? तो चुके हैं वो, कह तो रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं पहल, क्या कहा मर्जी, तो मर्जी क्या होती है? उन्होंने कहा मर्जी क्या होती है? होता है मर्जी है तो आप सीरिया बनाएंगे देश में, देश को, या नफरत की बात करेंगे? अब कुतर्क वाला सवाल मत पूछिए ना, तर्क की बात कीजिए, समय कम होता है, समझिए इस बात, फिर एनजीटी पे चले गए आप, तर्क की बात किया कीजिए, एक सेकंड, तर्क की बात, प्लीज सर, प्लीज, जो सवाल पूछ चुके हैं फिर वापस वही सवाल आप दोहराते हैं। संबित पात्रा, वारिस पठान, आप दोनों के पास में आ रहा हूं बिना समय जाया किए हुए, आप दोनों जानते हैं समय कम होता है टीवी डिबेट में, इस बात का ख्याल रखते हुए, एक सेकंड दर्शक हटी, इस सवाल का जवाब आप पहले दे चुके हैं। वारिस पठान, आप हाथ उठाए थे, अपनी बात रखिए, फिर समित पात्रा के पास मैं जा रहा हूं सवाल के लिए, बोलिए वारिस पठान। देखिए, जैसे कि मौलाना जी ने सवाल किया कि इनको किसने बोला कि बीच में आओ, मैं तो ये बोलता हूं कि बड़ी कॉन्स्पिरेसी का ये एक एजेंट है रविशंकर, जो बीच में आए हैं
और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश हमारे देश में कर रहे हैं, डरा के धमका के, तो इनके खिलाफ केस दायर हुआ क्योंकि उनको निर्भय अखाड़ा भी सपोर्ट नहीं कर रहा, उनको बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो कौन सपोर्ट कर रहा है उनको? संबित पात्रा बताओ, क्या पीछे से काम किया गवर्नमेंट की साजिश है कि उनको आगे बेच के पोलराइज करे सोसाइटी को, 2019 के चुनाव के पहले इस मामले को पूरा पोलराइज करे ताकि 2019 का चुनाव आपके इसमें, लेकिन पब्लिक जनता जनार्दन है, पब्लिक सब जानती है कौन किस मंशा लेके आया है, कौन कौन सी मानसिकता से आया है ये बाबरी मस्जिद के इशू में, इस बार नहीं चलेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा, रोहित जी भी मानेंगे, पूरा देश मानेगा, और ये तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे, संबित पात्रा जवाब देंगे, कायदे से केस होना चाहिए, संबित पात्रा मैंने आपसे कहा था आप करा दीजिए ना केस दर्ज, आप क्यों नहीं करा रहे? आप क्या बीजेपी से इजाजत का इंतजार कर रहे हैं कि इनका स्टैंड आपको पसंद नहीं आएगा तब आप केस दर्ज कराएंगे? अरे बीजेपी ने तो उनको भेजा है, ठीक है भाई, ओके। यही तो बीजेपी के यही आरोप आप पे लगता है कि बीजेपी के लिए आप एजेंट का काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट अब ठीक है, अब रुकिए संबित पात्रा, अब रुकिए, ओके संबित पात्रा, वो जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब दीजिए, बेबुनियाद इल्जाम लगे हैं। अरे यही मौलाना साहब जिस दिन इलेक्शन को लेकर बात होगी यही आपको कहेंगे कि आप बीजेपी के लिए काम करते हैं। संबित पात्रा बोलिए, जवाब दीजिए उनकी बातों का, अगर इनके पीछे कोई नहीं है, ये अपने आधार पर ये सारी बातें कर रहे हैं तो फिर उसका फायदा क्या है भाई? केवल माहौल बन रहा है क्या, जब इससे कुछ होना जाना नहीं है? देखिए रोहित भाई आप भी डिबेट में और हम भी डिबेट में आए दिन पार्टिसिपेट करते रहते हैं, आपने एक वाजिब सवाल उठाया, जब अभी वारिस पठान भाई ने कहा कि क्या हम रविशंकर जी के पीछे हैं, तो आपने उनको याद दिलाया कि कांग्रेस वाले यहां होते तो वो कहते कि वारिस पठान जी के पीछे भी हम हैं, मतलब ये जहां भी जो कुछ हो रहा है सारा पीछे खाली भारतीय जनता पार्टी पूरे ब्रह्मांड के पीछे है, ये कहना उचित नहीं है। और दूसरी बात आप देखिए, जहां तक इंडिपेंडेंट स्टैंड का विषय होता है, याकूब मेमन को जब फांसी होने लगा था तो असदुद्दीन ओवैसी का भी एक स्टैंड था, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, असदुद्दीन ओवैसी के उन सारे स्टैंडों पर चले गए, उनकी अच्छी लानत मलानत हुई है, आप इस बात को जानते हैं, तो आप ये बताइए, मैं 10 सेकंड बोल लूं रोहित भाई, अगर कोर्ट दिया कि मंदिर मस्जिद बनेगा तो आप बनाने देंगे कि नहीं, तो मैं सबका जवाब दूंगा, के खिलाफ आता है तो क्या आप तैयार हैं संविधान के रास्ते, मैं जवाब दूंगा, संसद के जरिए सुनने को तैयार है तो मंदिर वही बनाएंगे का नारा पूरा करने के लिए आप तैयार हैं? देखिए रोहित जी मेरे को दो सवाल पूछे गए हैं, मैं दोनों का जवाब दूंगा, दोनों पहला सवाल, देखिए आप लोग बोल लीजिए, रोहित जी बुलवा लीजिए, मुझे इस प्रकार के बदतमीजी भरे डिबेट में आने का कोई शौक नहीं, बोल रहे थे तो नहीं बोला ना बीच में, कोई मुझे पठान बोल रहे थे तो भी संबित नहीं बोले बीच में, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई जब वो बोल रहे हैं तो आप लोग भी टोका टाकी ना करें। वारिस पठान ने सवाल पूछे हैं, बीच में मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है, संबित पात्रा दोनों का जवाब दे दीजिए, जो वारिस पठान ने पूछा और जो मैंने पूछा, 40 सेकंड अगले आपके हैं, बोलिए। देखिए रोहित जी जो डिबेट में हो रहा है 500 वर्षों में वही हो रहा है, हम शांति से हिंदू बैठा हुआ है, शांति से सोल्यूशन चाहते हैं, मगर कुछ ऐसे तत्व हैं जो चिल्ला चोट 500 वर्षों से कर रहे हैं, और जब मैं कहता हूं कि मंदिर वही बनेगा, मैं कोई धमकी की बात नहीं करता हूं, मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 जजेस ने कहा कि वहां मंदिर था, 3 जजेस जिसमें खान साहब भी थे, तो आप बताइए सुप्रीम कोर्ट में तो कोई और एविडेंस तो नहीं आ रहा है ना, वही एविडेंस देखे जाएंगे उन्हीं के आधार पर निर्णय होगा, इसलिए मैंने कहा मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भी विश्वास है, मुझे राम पे भी विश्वास है, और 10 सेकंड में मैं कहता हूं लीजिए, 500 वर्ष के बाद वो समय आ गया, संसद के जरिए कानून लाकर क्या मंदिर बनाने का रास्ता खोलने के लिए सरकार तैयार है, हाँ या ना? ब्रेक पर जाने से पहले बता दीजिए, हाँ या ना? मंदिर वही बनेगा, संसद के जरिए बनेगा, इंतजार करके देखिए, संसद के जरिए तैयार है सब कुछ, मैं टीवी पे वो सब कुछ टीवी पे बताऊंगा, तो कैसे बनेगा ये सब आके बर्बाद नहीं करेंगे जो बैठे हुए हैं, तो कहां बताएंगे फिर, तो बताइए वहां आ जाते जाइए, कहां बताएंगे बोलिए वहीं आ जाते हैं, आप जिस दिन बताएंगे अगले दिन ईंट पत्थर भी देंगे, लेके सभी आइएगा, सब मिलके मंदिर बनाएंगे। दंगल में आप देख रहे थे बहस, श्री श्री रविशंकर के बयान पर, राम मंदिर बनाना है तो क्या सीरिया का नाम लेकर डराना जरूरी है? फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आपको ये बता दें दंगल आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं, मोबाइल ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.aajtak.in। ठीक 6 बजे भारत तक के YouTube चैनल पर आपसे होगी मुलाकात, क्या त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति गिराया जाना लोकतंत्र की हत्या?
यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।